ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू ईयर प्रेडिक्शंस ऑफ टॉरस, वृषभ राशि। दोस्तों, डीएनए एस्ट्रोलॉजी में हर राशि के ऊपर भी कोई ना कोई कार्मिक रजिस्ट्री होती है। अब इस राशि टॉरस के ऊपर जो है गुरु कार्मिक रजिस्ट्री, जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री है, और इसके अंतर्गत एक नक्षत्र आता है रोहिणी, उसके ऊपर मरकुरी कार्मिक रजिस्ट्री है। तो किसी भी एक ही हॉरोस्कोप में यदि गुरु कर्मा भी हो और मरकुरी कर्मा भी हो तो व्यक्ति जो है बुद्धि के हिसाब से बड़ा ही विलक्षण होता है, समझदार। ऐसे व्यक्ति की जो समझ है वो एक अलग ही आयाम की होती है। तो हम आमूमन देखेंगे कि वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जो लोग हैं उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी क्वाइट हाई होती है, एंड दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ एंड थिंग्स इन जनरल। ओके, हैंस दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स। ओके, एंड ऑफन इन लाइफ दे आर आस्क्ड टू गिव एडवाइस, एंड टू बी प्रिसाइज दे आर आस्क्ड टू मीडिएट, टू बिकम अ मीडिएटर। द टास्क ऑफ मीडिएशन इज वेरी कॉमन विद टॉरस असेंडेंट। वी कैन टेक अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हु वॉज अ मीडिएटर बिटवीन कौरवाज एंड द पांडवाज, बट सिंस ही हैड मर्क्यूरी कर्मा, ही वॉज बॉर्न अंडर रोहिणी नक्षत्र। अकॉर्डिंग टू डीएनए एस्ट्रोलॉजी इट हैज मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री और मर्क्यूरी कर्स। सिंस ही हैड द मर्क्यूरी कर्स, दैट मीडिएशन एंडेड अप टू द वॉर। ओके, सो ऑफन इन लाइफ दे आर दिस टॉरस लग्न पीपल आर कॉल्ड टू मीडिएट, हैव अ कॉन्वर्जेशन, हैव अ मीडिएशन, एंड दे शुड पी पे क्वाइट अ लॉट ऑफ अटेंशन। ओके, वेन दे आर लाइक वेन टेकिंग सम डिसीजन, वेन वेन मीडिएटिंग बिटवीन टू पार्टीज, दे शुड, क्योंकि उनके जीवन के जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे। आप कोई भी मीडिएशन करते हैं, एक एक पक्ष में, एक के पक्ष में जाएगा, एक के विपक्ष में जाएगा वो मीडिएशन, तो वहाँ से कुछ सामने वाला आपको कुछ कर्ज वगैरह कर सकता है। तो आपको बड़ा ही ख्याल, अगर आप टॉरस लग्न के हैं आपको बड़ा ही ख्याल रखना है। और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग, मीडिया, यू नो, एडवर्टाइजिंग, इस क्षेत्र में जो है एक इनबिल्ड, एक जन्मजात जो है इन्हें एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इनकी अच्छी होती है। और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो शुक्र ग्रह का मालिक बनता है, तो इन चीज़ों की समझ होती है। और जैसे इस राशि का जो सिंबल है बैल का, एक बुल का है, तो थोड़े जिद्दी, स्टबर्न हो सकते हैं टाइम्स दिस पीपल। ओके, अब आने वाला 9 वर्ष इनके लिए मिला जुला साबित रहने वाला है। इनके दशम भाव में शनि का गोचर हो रहा है, दशम भाव में शनि विराजमान है कुंभ राशि में, और हम देख सकते हैं कि शनि जो है इनके दशम भाव में होने से इन्हें मेहनत कराएगा, इन्हें जो है जूते घिसवाएगा शनि। और पंचम भाव में केतु है, तो कुछ इस स्टमक रिलेटेड एलिमेंट्स, पेट से रिलेटेड दिक्कत रह सकती है टॉरस लग्न वालों को, टॉरस राशि वालों को। और इनके जो लाभ भाव में है राहु, ओके, इन्हें लाभ दिला सकता है। और 11वां भाव जो है दोस्तों फ्रेंड सर्कल का है। अभी शुरू के वीडियो के शुरुआत में मैंने कुछ बात कही अबाउट द मीडिएशन, ओके, अबाउट बीइंग अ मीडिएटर। तो ये इस समय स्पेशली आने वाले वर्ष में, स्पेशल इन द क्लोज फ्रेंड सर्कल, क्लोज फ्रेंड सर्कल, क्लोज फैमिली सर्कल, बिकॉज 11th हाउस रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ पीपल, नेबर्स, फ्रेंड्स। ओके, टॉरस लग्न टॉरस राशि वालों को मीडिएशन करने के लिए, मान फर्ज कर लीजिए दो मियां बीवी झगड़ रहे हैं, अब बाय नो मीन्स दे विल कॉल दिस टॉरस लग्न पर्सन टू गेट इन टू द मीडिएशन। इस वर्ष ये चीज़ें ज़्यादा होने वाली हैं और इन्हें बड़ा ही ख्याल रखना है। और थोड़ा इमोशनल साइकोलॉजिकल इश्यूज भी इन्हें परेशान कर सकते हैं। एडवाइजेबल है कुछ अन्न का, कुछ भोजन का, फूड का जो दान है इस समय यदि अगर करें तो इनके लिए शुभ रहता है। और कोई भी गॉडेस वर्शिप अगर करते हैं, लक्ष्मी की वर्शिप कर सकते हैं, काली की वर्शिप कर सकते हैं, दुर्गा की वर्शिप, श्री यंत्र की उपासना कर सकते हैं, इस पीरियड में करें तो इनमें बड़ा ही सुंदर लाभ होगा। तो 2024
24 कुल मिलाकर मिला जुला रहने वाला है टॉरस लग्न और टॉरस राशि वालों के लिए। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन चाहते हैं या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। थैंक्स अ लॉट।